नेतन्याहू और बाइडेन के बीच जो भी बात होगी उसमें अरब देशों को लेकर एक बहुत ही खतरनाक फैसला भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल के नंबर वन दुश्मन ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथी जेडी वेंस ने ऐसा सुझाव दिया जिसे लेकर पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ने का खतरा हो गया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। एक तरफ गाजा में इसराइल का नया हमला हुआ है और दूसरी तरफ नेतन्याहू और गोला बारूद की डिमांड के साथ अमेरिका में मौजूद हैं। गाजा में इसराइल की बमबारी से एक ही दिन में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हैं। ये गाजा में सबसे खूनी दिनों में से एक साबित हुआ है। गाजा के खान यूनिस इलाके में न सिर्फ इजरायली वायुसेना ने बमबारी की, यहां पर इजरायली टैंक मार्कवा ने भी अंधाधुंध गोले बरसाए और नतीजे आपके सामने हैं। अपने परिवार के कई लोगों को खोने वाले अहमद समूर लाशों को उठा उठा कर थक चुके हैं। इसराइल ने जब हमला किया तो एक 4 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई। अहमद समूर का घर इसी इमारत में था। احنا تعبنا في غزه، احنا كلنا هاي دمشوا اولاد لسه ما نشفش طب لسه خير متخيل تحت الضوء لسه خير متخيل تحت الضوء زينيه يعني كلهم تحت الضوء ما يعني ما حدش قال نخلق 4 طوابق بنزلها بصفطها على شعب زي ما هي على المواطنين। गाजा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक साथ करीब 200 घायल लोगों को पहुंचाया गया। बहुत से लोग मर चुके थे लेकिन उनके रिश्तेदारों को उम्मीद थी कि सांस बाकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ गाजा में तबाही जारी है लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में नेतन्याहू को घेरने की कोशिश भी जारी है। व्हाइट हाउस के करीब ये लोग नेतन्याहू का विरोध करने पहुंचे हैं। ये गाजा में हजारों लोगों की मौत पर बाइडेन प्रशासन को जगाना चाहते हैं। ये इजरायल को जारी बम और गोला बारूद की सप्लाई रोकना चाहते हैं। ये सब एक प्रदर्शन का हिस्सा है। ये व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधे और हथकड़ी लगाए हुए खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे इसराइल गाजा और वेस्ट बैंक में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। गाजा में तबाही रोकने का नाम नहीं ले रही। गाजा में 9 महीनों से जारी बमबारी में 39,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 90,000 लोग घायल हुए, सैकड़ों हजारों लाशें मलबे में दबी हुई है। नया तनाव वेस्ट बैंक में भी फैल गया है जहां इजरायली सेना की गोलीबारी में फिलिस्तीन के 5 लोगों की मौत हुई है। इसराइल का दावा है कि इनमें हमास और फतह गुट के लोग थे। इसराइल का ये हमला वेस्ट बैंक में तुलकर्म इलाके में हुआ। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगह इस तबाही के बीच अमेरिका से एक बहुत ही खतरनाक आइडिया सुझाया गया है जो पूरे पश्चिम एशिया को ऐसे युद्ध में झोंक सकती है जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अमेरिका में ओहायो की सीनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट जेडी वेंस, जो रिपब्लिकन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में उभरे हैं, उन्होंने अमेरिका के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत ही खतरनाक रास्ता दिखाया है। जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के खिलाफ बाकी अरब देश एकजुट हो जाएं। जेडी वेंस ने अरब वर्ल्ड के सुन्नी बहुल देशों को ईरान के खिलाफ एक फ्रंट बनाने का सुझाव दिया है क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है। यानी साफ है कि अमेरिका का एक पावरफुल लीडर इस वक्त अरब वर्ल्ड को धर्म और संप्रदाय के बीच बांटना चाहता है।
जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल को बचाने के लिए जो बाइडेन ने जो कुछ नहीं किया है और न ही ईरान को कमजोर करने के लिए उनकी सरकार कुछ ठोस कर पाई है। अमेरिका की तरफ से पश्चिमी एशिया में नई गुटबाजी तैयार करने के बीच चीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने कहा है कि टू स्टेट वाला उपाय जरूरी है, यानी इसराइल भी देश रहे और फिलिस्तीन भी देश बने। ये ऐसा सुझाव है जिसका समर्थन भारत भी करता है। यही पूरे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति कायम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका माना जाता है, जिस पर इसराइल राजी नहीं है। जब गाजा में बमबारी चल रही है और नेतन्याहू अमेरिका से बम और हथियार की डिमांड करने पहुंचे हैं, तब बीजिंग में हुई एक मीटिंग ने इसराइल के माथे पर लकीरें खींच दी है। वजह है चीन के विदेश मंत्री से फिलिस्तीन के अलग अलग गुटों की मुलाकात। इस मीटिंग में हमास और फतह दोनों गुट के नेता शामिल हुए। खबर यह है कि फिलिस्तीन के 14 गुट इस बात पर राजी हुए हैं कि PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरे फिलिस्तीन के लोगों का सही प्रतिनिधित्व करता है। जहां अमेरिका फेल हुआ है वहां चीन ने बाजी मारी है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराने के बाद चीन इसराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी हल निकालने में जुट गया है। चीन अब डील मेकर बनना चाहता है, लेकिन इन तस्वीरों के बीच अगला एक हफ्ता गाजा में चल रहे युद्ध के लिए बहुत अहम होने वाला है। जुलाई के अंत तक अगर ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आया तो समझ लीजिए कि फिर ये युद्ध पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।